के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बुधवार को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में बीजेपी और जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे। अपने आवास पर आयोजित बैठक में उन्होंने साफ कहा कि मैं लालू यादव का बेटा हूं, मेरे शरीर में लालू प्रसाद का खून है, मैं भी पिता की तरह मनुवादी या सांप्रदायिक शक्ति से कोई समझौता नहीं कर सकता। जनादेश न मानने वालों के साथ मैं कभी नहीं जा सकता। मुझे कन्हैया और पप्पू यादव मंजूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी कतई मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से दूरी बनाने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दोनों से अब कोई परहेज नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परहेज है। अगर पप्पू यादव और कन्हैया महागठबंधन में आना चाहते हैं तो विचार किया जाएगा। राजद के लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आए। तेजस्वी का कहना है कि वो बीमारी के कारण 2 महीने बाहर रहे तो साजिशें रच दी गई। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद की तरह मैं भी मनुवादी ताकतों से समझौता नहीं करूंगा। समाज में जहर घोला जा रहा है, हमें मिलजुल कर ऐसी घटनाओं को रोकना है। राजद में हर तबके, संप्रदाय और जाति को तरजीह दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि असल मुद्दे से लोगों को भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और मंदी पर चर्चा न करके हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और कश्मीर पर चर्चा की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। न्यूज़ डेस्क।